मुझे अत्यंत खुशी है और मैं अपने दोस्त जली साहब और बी एन बाब साहब का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस महाअधिवेशन में हिस्सा लेने शामिल होने के लिए मौका दिया है। मैं नशे तो इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबा चौड़ा दिल में इतना नवी 10वीं से 1944 से मैंने जब ये सफर शुरू किया, एक मैं कहने की बात है जैसे पंडित नेहरू ने भी 14-15 अगस्त की मिडनाइट को एक मैसेज एक दिया था, उसमें तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि जो गुलामी के बाद आज़ादी मिली है वो अंधेरे युग से निकलकर एक आधुनिक युग में आने का प्रवेश मौका मिला है, तो इसको उन्होंने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि एक कहा एक कॉलेज का स्टूडेंट साधारण सा और कहा मानव महामानव के दर्शन, ये भी मेरे लिए एक ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी है। का एक खुशगवार संयोग, मुझे उनके सिर्फ दर्शन करने का एक नहीं बल्कि उनकी डायरेक्ट रहनुमाई में पंजाब में जब शुरू में उनकी मूवमेंट ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से शुरू हुई थी, पंजाब में उसका प्रवेश 1945 में हुआ और इंसिडेंटली उसी वक्त मैं कॉलेज स्टूडेंट में चला गया और मुझे एक मेरे अन्य बहुत विशेष वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी 1941 में जब बाबा साहब ने ये 1941 में ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का स्टार्ट किया था, तो उनने वो भाग लेने गए थे और उन्होंने आते ही पंजाब में ये अम्बेडकरी आंदोलन जो शुरू किया और उसी में ऐसा कई बात बनी कि मैं भी शामिल हो गया स्टूडेंट लीडर लीडरशिप में, ऐसा मेरा भी योगदान रहा और उसके बाद मुझे लिखने पढ़ने का ये शौक था, पता नहीं क्या बात थी। 1940 जब मैं 19 वर्ष का था तो मैंने सबसे पहले बाबा साहब की उस वक्त उर्दू भाषा प्रचलित थी, उनका अंग्रेज की किताब थी मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल, तो उसका सबसे पहले मुझे जो ख्याल आया मैंने उसका उर्दू में अनुवाद करके और वो किताब शुरू में उसके बाद बाबा साहब के कई भाषण कई किताबों का मैंने हिंदी और पंजाबी में ट्रांसलेशन करके अपने सबसे पहले उनका प्रचार प्रसार के काम में जुट गया बतौर स्टूडेंट थे और उसके बाद 1948 में जब आफ्टर पार्टीशन जब ये एक बहुत ही हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही थी, तो उस वक्त हमारे दिल में भी आया कि हम जो पंजाब में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की यूनिट शुरू हो गई थी उसके बाद हमने भी प्रोग्राम बनाया था जब वो यहाँ दिल्ली में नेहरू मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे, वो है ना, तो
क्यों ले आते हो वहाँ से, एडिटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले 1948 में मिली उनसे ये दर्शन करने का मौका मिला, और उसके बाद 1948 के बाद जब से ये पार्टी गतिविधियाँ शुरू हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर उर्दू बीजी भाषा थी उसका वो भी शुरू होने की, और बाबा साहब ने मुझे पर्सनली की थी लेके मुझे शुभकामनाएं दी, और इसको जितना भी मुझे एनकरेज किया, और जितना मेरे काल में जितना मैंने कोशिश किया मैंने काम किया, तो उसमें उसी लेटर की एक शक्ति थी। तो मैंने बाद में इग्नेशिया एज आई सॉल्व वो किताब थी, उसमें मैंने मामायण सीखे, उसके बाद मैंने वाई अम्बेडकर इंग्लिश बुद्धिज्म वो मैंने किताब लिखी, और एक शोरी ने और शोरी ने उन दिनों में जो किताब थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, उसके बाद में मैंने इश्यूज ऑफ लाइफ एंड हाफ रूट्स, तो उसका वैसे भी ये अंग्रेजी का है, तो मैंने पंजाबी में अपने लोगों के लिए बहुत उसको कामयाबी भी मिली, और सारे सर्टिफिकेट करके उनको रजिस्ट्री भी दी, और उसको चैलेंज किया कि कहीं भी किधर भी वो अपना जगह चॉइस कर ले, ये जो उसने बकवास किया है और उसका जवाब सुनकर उसका जवाब भी सुन है, वो तो अलग बात है कि ऐसा अब जहाँ जो अभी बात चल रही है वो उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जिक्र करना समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल फोटो है, वैसे तो अपर कास्ट का दलित और कमजोर तबकों के बारे में जो उनका रवैया है वो तो जानते हो है, तो फिर भी इसका सबसे वर्स्ट जो है वो एक गरीब साधनहीन हमारा दलित तबका है, कमजोर तबके हैं, और खास तौर पर इसने जो इतनी भयानक खतरनाक सूरत बना ली है मोदी सरकार के आने से, तो वो तो मैं कई आर्टिकल्स में मैंने लिखा था कि जब वाजपेयी जी के राज में हम कहा करते थे कि ये हिडन एजेंडा है आरएसएस का, आरएसएस का जो ध्येय है जो उसका लक्ष्य है वो यहाँ भारत को एक हिंदू राज बनाना है, और उसको हिंदू राष्ट्र का कहना है, ये हम कहा करते थे वाजपेयी के टाइम में। ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट का एजेंडा है ये सारे का सारा आरएसएस का खुफिया एजेंडा है। तो अब तो देखिए क्या हाल हो रहा है, जिधर देखो दहशत का माहौल, खौफ का माहौल, इनटॉलरेंस, और सबसे ज़्यादा तो जिसका बहुत रहा है इसमें वो दलित, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जो इतना जितना जिसको कहते थे अब वो बिल्ली सारी की सारी थैले से बाहर आ चुकी है, कहीं किसी पर देख लो किधर देख लो उनकी एक दिल हिलाने वाली जो टीवी चैनल्स पर अखबारों में जो उसका प्रवक्ता के तौर पर उन बच्चों को उन बंदों को एक गौ रक्षा के नाम पर उनको कैसे प्रॉब्लम किया गया उसका सबने टीवी पर देखा है, ध्यान एक था। उसके बाद यूपी में सहारनपुर शबीरपुर में सिर्फ बाबा साहब का स्टैचू लगाने के जुर्म में उन लोगों को
घर ना लिए उनका बहुत ज्यादा दशदर किया गया। रोहित वेमुला एक हैदराबाद का शोधार्थी, वो होनहार लड़का, उसको कैसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। और उसके बाद बुलंद शहर की बात में तो एक सावित्री बाई और उसने अचानक उसका हाथ एक ठाकुर की बाल्टी से लग गया और उसको उसके होने वाले बच्चे के साथ उसको पीट पीट कर वही खत्म कर दिया। सबसे लेटेस्ट जो है कोरेगांव का अमर संदेश, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और ये सारे का सारा 10 लाख आदमी मां करते हुए थे उन बहादुर अछूत सैनिकों को जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को वहाँ के एक सालों राजा पेशवर राजा बाजीराव गोहिले उसका उसके साथ लड़ते लड़ते उनको मार बुलाया था पता हासिल की थी। बाबा साहब 1927 में वहाँ गए और वहाँ जाकर उन 500 महान शहीदों को उसकी याद में जो स्तंभ बनाया था, पिलर बनाया था और विजय उनका उसी बहादुरी और उस मौके को याद करने के लिए उसका विजय सिद्धांत था और उसकी याद में हर साल लाखों आदमी जाते हैं। इस दफा देखिए ये मोदी सरकार का करिश्मा है कि इतनी नफरत और उनका गुस्सा लोगों में भर गया है कि ये होते कौन है इतना जुलूस निकालने के लिए, इतना अपना गर्व महसूस करने के लिए। खैर वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, आपने सारा अखबारों में देख लिया कि कैसे कैसे हुआ और जो संभाजी हिडे और मिलिन एक बोर्डे जो ये सरकारदा लीडर थे जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी आके एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके उन लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया और उस आदमी को जो मर गया था उसका उसको भी 10 लाख मुआवजा दिया। ये बातें हैं आगे पूछने वाली है। इसमें सबसे जो बात देखने वाली है मैं आपको इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि ये मामूली छोटे 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 घटनाएँ हैं ऐसे उत्पीड़न की है या जुल्म अत्याचार की हैं। ये क्या है, ये है कि जैसे बाबा साहब ने भी रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन की स्टोरी जो आपके सामने दी है उसको जरा देखने वाली बात है। वैदिक काल के बाद जिसका बुद्ध का आगमन हुआ तो वो एक रेवोल्यूशन था, एक परंपरावादी और रिएक्शनरी जो ये वैदिक काल था। उसके बाद जो ऊंच नीच के और छुआछात के खिलाफ जो उन्होंने रेवोल्यूशन की एक मानवता का धर्म दुनिया को दिया बुद्ध ने और उसके बाद शांति होगी और एक स्वर्ण युग उसका महान अशोक भी हुए और उसके बाद करते गए। इसी तरह ये जो है ये तबका जो ब्राह्मण के हाथ से जो सत्ता निकल चुकी थी वो सारे का सारा राजपाट निकल चुका था वो षड्यंत्र के और छल कपट के लिए उन्होंने व्यक्तिगत राजा जो था मौर्य वंश का और उसको कत्ल करके फिर ब्राह्मी राज कायम कर दिया और उसी ब्राह्मी राज उसी पुष्यादित्य सौ ने यहाँ एक परवर्तन का दौर चला दिया। जितने बुद्ध भिक्षु थे जितने
आश्रम के जिसने पुस्तकालय के जितने मठ थे वो सारे को नष्ट भ्रष्ट करके एक ब्राह्मी राज का द्वारा उसको स्थापित कर दिया और उसको सदा जीवित रखने के लिए उन्होंने जितनी भी ये किताबें हैं, ये धर्म जिनको धर्मशास्त्र बोलते हैं, रामायण महाभारत और जितने भी दूसरे स्मृतियाँ और उपनिषद वगैरह, वो सारे के सारे उन्होंने रचना करवाई। और उसके बाद ये अब तक वो काम चलता रहा। और दौर चलता रहा है। हमने देखा अंग्रेज आए, पहले मुसलमानों का राज आया, उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने राज को, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, कायम रखने के लिए उन्होंने सोशल लाइफ जो थी इस मुल्क की, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने अपना सिर्फ हुकूमत चलाने की बात होती है, अंग्रेज के टाइम में भी हुआ और मुसलमान राजाओं के टाइम में भी हुआ। अंग्रेज ने ये जरूर है कि उनके आने से ये कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म हुआ, कुछ हमारे लोगों में जान आई, कुछ थोड़ा सा इन्होंने नई रोशनी में आके अंग्रेजी तालीम की और लिख दिया। अब उसके बाद अंग्रेज आज़ादी का जमाना आ गया। आज़ादी मिलने के बाद एक हजारों साल की गुलामी से पीछा छुड़ाया है भारत ने। भारत के बाद इस वक्त जो जरूरत हुई इसको संविधान बनाने की, संविधान बनाने के लिए भी इन्होंने कमेटियाँ की, ये भी हुआ। और उसके बाद जब अखीर इनके पास बड़े बड़े विद्वान थे, उनको छोड़ कर के जब उनको ये बहुत बड़ा मसला सामने आया, तो बाबा साहब पर सबकी नज़र पड़ी कि यही वो फिटेस्ट ब्रेन है जो ये काम कर सकते हैं। और इस तरह जो संविधान बना, उन दिनों भी मेरी मैं बाबा साहब से मिलता रहा, और जब पूरी पीठ पर था तो बड़े बिजी थे, उन दिनों में भी वो इतने बिजी रहते थे, बीच में लगे रहते थे। और ये जो संविधान हमारे पास है, एक मैं समझता हूँ एक भी एक नए दौर का एक रेवोल्यूशन उन्होंने, जैसे बुद्ध ने रेवोल्यूशन की थी, क्रांति की थी, उसी तरह ये संविधान आने के बाद ये एक क्रांति, इसको क्रांति का युग कहना चाहिए। और उसके बाद ये जो अब प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस जो है वो कहाँ बैठने वाली है, इनका बस चलता तो ये संविधान ही न मानने देते हैं। उन दिनों में भी इन्होंने कितना जोर शोर मचाया, वो इनके बड़े कुछ पड़ा, फिर भी उसके बाद ये कोशिश इन्होंने की, वाजपेयी साहब के टाइम में भी की थी, और एक जस्टिस वेंकटा चरैया इस अध्यक्षता में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू मिश्रित बनाने की कोशिश की, इसी बात का ध्यान लगाना चाहता था कि ये रेवोल्यूशन बुद्ध के माने में जो थी, उसके बाद काउंटर रेवोल्यूशन आई, काउंटर रेवोल्यूशन के बाद फिर रेवोल्यूशन आई संविधान लेने की वजह से। संविधान के अब जो मोदी सरकार आ रही है, 11 साल की सरकार आ रही है, ये फिर वही मनुस्मृति का युग लाने की काउंटर रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप इसका योजना ये है, इम्प्लीकेशन जो सामने नजर आ रही है। और एक गुजरात का एक बड़ा क्रांतिकारी लड़का एडवोकेट जिग्नेश निवानी, उसने यही कुछ दिन पहले लॉन्ग कंट्री को यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में बड़ी रैली करके ये मोदी साहब से पूछा था, ये मेरे हाथ में मनुस्मृति है, एक मेरे हाथ में संविधान
आप बोलिए इनमें किसको मांगते हो, धजियां लाती है संविधान की और फिर बाबा साहब का भुगतान कर रहे हैं, कहीं स्मारक बना रहे हैं, कहीं सेंटर बना रहे हैं। तो ऐसे ये एक नए दौर की काउंटर रेवोल्यूशन है। तो मैं आपसे यही आज का मैसेज जो देना चाहता हूँ वो यही है कि बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, वही एक अल्टरनेटिव है इस समय। जो भी इतना खराफा जितना भी ध्यान डार एज नजर आ रही है इस दलित सरकार तबके को, तो उसकी उसके बाद मैं फिर अपने दोस्त जली साहब को और आप साहब को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मैंने थोड़े से विचार रखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा आप कुछ ना कुछ यहाँ से मैसेज लेके जाए, कुछ रिजॉल्व करें, कुछ उसको एग्जीक्यूट करने का वो जोश और जज्बा फिर से करें, ताकि बाबा साहब का जो कारनामा उन्होंने 100 साल पहले चलाया था उसको बड़ी शान से, पूरी कामयाबी से हम इसको मंजिल पर ले जाने की कोशिश करें। थैंक यू।